इन देवरियन 2023 में अग्निवीर की भर्ती किस तरह से कराई जाने वाली है, इसको लेकर इंडियन आर्मी के तरफ से ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी जस्ट 4 वीडियो अपलोड किए गए हैं। ये वीडियो पहले देखने को नहीं मिलते थे, वैसे ये 4 वीडियो नहीं है, वीडियो तो सिर्फ 2 ही है, उसी को इंग्लिश में बताया गया है, उसी को हिंदी में बताया गया है। बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में पड़ गए हैं और बहुत सारे लोगों को ये बात पता चल गया होगा, लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। अभी इसके पहले भी मैं एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था कि मतलब जिसका आधार कार्ड में दूसरा नाम रहेगा और हाई स्कूल के मार्कशीट में दूसरा नाम रहेगा वो इंडियन आर्मी में ऑनलाइन ही नहीं करा पाएगा, भर्ती देखने का तो बात ही छोड़ दो। तो उसको लेकर कुछ लोग कंफ्यूजन में पड़ गए हैं और कुछ लोगों के मन में ये चल रहा है कि डीजी लॉकर ऐप क्या होता है और डीजी लॉकर ऐप में अपना डॉक्यूमेंट किस तरह से रखना है। तो सारा का सारा जवाब आप लोगों को इसी वीडियो में मिल जाएगा। देखो जितने लोग भी अग्निवीर की तैयारी में लगे हुए हो ना, आप लोगों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला नंबर आप लोग अपने दिमाग में बैठा लो, जो लोग अपने आधार कार्ड में अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज कराए हो तो ऐसा कि आप लोग का ऑनलाइन नहीं हो पाएगा, आप लोग का भी ऑनलाइन होगा। जैसे नोटिफिकेशन में ये बोला गया है और अभी जो वीडियो अपलोड किया गया है उसमें भी ये बताया गया है कि मतलब आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ दूसरा कुछ हो और हाई स्कूल के मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ दूसरा कुछ हो तो अब आपका प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ अपडेट हो गया रहेगा ना तो ऐसा नहीं है कि मतलब बोला जाएगा कि कितना बार अपडेट कराए हो और आपका ऑनलाइन नहीं होगा, कितना भी बार अपडेट रहेगा आपका ऑनलाइन हो सकता है, क्योंकि मैं अभी पूरा का पूरा वीडियो देख रहा था, बताया जा रहा था अगर आपके आधार कार्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ दूसरा कुछ है और हाई स्कूल के मार्कशीट में आपका डेट ऑफ बर्थ दूसरा कुछ है तो आपका प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगा, अपना आधार कार्ड का डेट ऑफ बर्थ चेंज कराकर फिर से ऑनलाइन करा सकते हो। और देखो मतलब पहले हम लोग के यारों में हम लोग का इंडियन आर्मी का दौड़ कराया जाता था ना, लेकिन अब तो इंडियन आर्मी में पहले पेपर कराया जाएगा तो अब हम लोग के यारों में पेपर नहीं कराया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब हमारा यारो वाराणसी लगता है तो हमको पेपर देने वाराणसी जाना पड़ेगा, हम लोग को 5 सेंटर चूज करना है। अब वो 5 सेंटर में पता नहीं हम लोग का पेपर कहां पर होगा, ये हम लोग को भी नहीं पता है। और जहां पर हम लोग पेपर देने जाएंगे ना अग्निवीर का, वहां पर सबसे पहले हम लोग का एक फोटो खींचा जाएगा और हम लोग का अंगूठा लगेगा, जब हम लोग का पेपर हो जाएगा दोबारा हम लोग निकलेंगे तो फिर से हम लोग का फोटो खिंचाया जाएगा और फिर दोबारा हम लोग का फिंगर लगने वाला है। तो आगे का प्रक्रिया कुछ इस तरह से होने वाला है। अभी चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर और जो भी वीडियो बनाकर डाला गया है वो पूरा का पूरा वीडियो देख लेते हैं। इस वीडियो से आप लोगों को काफी ज्यादा मदद मिलने वाली है। इंडियन आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट हम लोग को सबसे नीचे चले आना है। देखो नीचे यहाँ पर लिखा गया है कि चेंज प्रोसीडर और यहाँ पर लिखा गया कि हाउ टू रजिस्ट्रेशन एंड अप्लाई हिंदी, मतलब अग्निवीर में किस तरह से अप्लाई करना है यहाँ पर हिंदी में बताया गया है और यहाँ पर लिखा गया है हाउ टू रजिस्टर एंड अप्लाई इन इंग्लिश, तो वही बात यहाँ पर इंग्लिश में बताया गया है। यहाँ पर लिखा गया है हाउ टू पेपर इन ऑनलाइन सीई, जैसे अग्निवीर में पेपर किस तरह से कराया जाएगा वो सारी चीजें यहाँ पर हिंदी में बताई गई है और वही सारी चीजें यहाँ पर इंग्लिश में बताई गई है, तो ये पहले देखने को नहीं मिलता। पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इसमें अप्लाई किस तरह से होना है। जैसे आधार कार्ड को लेकर बहुत सारे लोग परेशान हो चुके हैं ना, तो पहले इसको ओपन करते हैं, उसके बाद से ये सारी चीजें देखेंगे किस तरह से इसमें पेपर देने जाना है। करण प्रक्रिया के लिए अपने आधार से जुड़े मोबाइल या मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र साथ रखने की आवश्यकता है। आधार पंजीकरण के लिए सबसे पहले दी गई वेबसाइट पर जाएं। साइट में लॉग इन करने के लिए आपको कैप्चा टेक्स्ट दर्ज करना होगा। वेबसाइट पर क्लिक करें। आवेदक या तो नियमित कैडर या अग्निपथ मेन्यू से पंजीकरण कर सकते हैं। यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन करने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश अवश्य पढ़ें। कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब पर्सनल डिटेल्स के तहत आपको 2 विकल्प दिखाई देंगे, आधार नंबर और मैट्रिक सर्टिफिकेट। आधार के साथ पंजीकरण, अगर आप आधार संख्या विकल्प का चयन करेंगे और फेच फ्रॉम डिजी लॉकर पर क्लिक करेंगे तो आपको डिजी लॉकर साइट पर पुनः प्रेषित कर दिया जाएगा। यहां आपको आधार नंबर भरना होगा और नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। OTP भरे और कंटिन्यू पर क्लिक करें। आप अलाउ पर क्लिक करते हैं तो आपका नाम, मार्फत और जन्म तिथि स्वचालित रूप से डिजी लॉकर से प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर सिर्फ आपके आधार कार्ड और जो मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा उससे सब कुछ लॉगिन हो जाएगा, क्योंकि डिजी लॉकर में आप पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट पहले से रखे रहोगे। नाम और जन्म तिथि मैट्रिक प्रमाण पत्र के साथ मेल नहीं खाता है तो आपको पंजीकरण के लिए आगे बढ़ने से पहले आधार में सुधार करवाना चाहिए। अब आप बैलेंस फील्ड भरें, कैप्चा टेक्स्ट दर्ज करें, सबमिट पर क्लिक करें। ईमेल आईडी पर एक OTP प्राप्त होगा। OTP, कैप्चा टेक्स्ट दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें। अब आपको व्यक्तिगत विवरण, संपर्क विवरण और शिक्षा विवरण भरना होगा। OTP, कैप्चा टेक्स्ट दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें। मैट्रिक प्रमाण पत्र के साथ पंजीकरण, यदि आप मैट्रिक प्रमाण पत्र का चयन करते हैं आपको डिजी लॉकर साइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा। आपको मैट्रिक बोर्ड के नाम का चयन करना होगा और आवश्यक विवरण भरना होगा। का नाम,
पिता का नाम और जन्म तिथि डिजी लॉकर से स्वतः प्राप्त हो जाएगी। अब आप बैलेंस फील्ड भरें, चरण आधार विकल्प के समान है। यहाँ आपकी पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होती है। उम्मीदवार जिन्होंने योग्यता पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर ली है, उन्हें विषय के अंक भरना अनिवार्य है। उम्मीदवार जो योग्यता परीक्षा में उपस्थित हो रहे हैं, अंक भरने की आवश्यकता नहीं है। पृष्ठ प्रदर्शित किया जाएगा जहाँ आपको उल्लिखित क्षेत्रों में सभी अंकों और विषयों का उल्लेख करना होगा। न्यू रो पर क्लिक कर सकते हैं। ध्यान दें कि सभी विषयों के योग की स्वचालित रूप से गणना की जाती है। उम्मीदवार अधिसूचना से सुनिश्चित करें कि उनके विषय और अंक आवेदित श्रेणी के लिए पात्रता मानदंड से मेल खाते हैं। अब सेव और कंटिन्यू पर क्लिक करें। किस विषय में कितना नंबर पाए हो वो पूरा का पूरा यहाँ पर भरना है। पहले जब भर्ती हुआ करता था तो कुछ भाई लोग वैसे ऑनलाइन करा देते थे, नंबर कम रहता था तभी भी बढ़ाकर ऑनलाइन करा देते थे, लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। अगर उस तरह से करोगे तो आगे का प्रोसेस नहीं बढ़ पाएगा। परीक्षा केंद्र मेनू में को अपनी पसंद के अनुसार परीक्षा के लिए 5 राज्य और शहर के विकल्प का चयन करना होगा और किसी भी शहर को 2 बार नहीं चुन सकते हैं। पहले जब हम लोग इंडियन आर्मी का ऑनलाइन कराते थे तो हम लोग का एक एआरओ लगता था, वहाँ हमारा दौड़ कराया जाता था, लेकिन यहाँ पर देखो 5 सेंटर का नाम चूजने के लिए दिया है। हम लोग अपना सेंटर चूजेंगे कि हम लोग का अग्निवीर का पेपर कहाँ पर कराया जाएगा, तो उसके हिसाब से हम लोग का अग्निवीर का पेपर कराया जाएगा। अब सेव और कंटिन्यू पर क्लिक करें। विवरण पृष्ठ का पूर्वावलोकन प्रदर्शित किया जाएगा जहां आपको विवरणों को सत्यापित करना होगा। भुगतान बटन पर क्लिक करने से पहले भरे हुए विवरण को सत्यापित करें। आपको SBI ईपे भुगतान पृष्ठ पर पुनः प्रेषित किया जाएगा जहां आपको भुगतान करने की आवश्यकता है। UPI क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है। एक बार किया गया भुगतान वापस नहीं किया जाएगा। अब आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो गई है। इस तरह से करके डिजी लॉकर में जाकर हम लोग का अग्निवीर का ऑनलाइन पूरा हो जाएगा। अब हम लोग को पेपर देने किस तरह से जाना है वो भी सारी चीजें बताई गई है, उसको भी आप लोग अच्छे से देख लो। यह सेना 2023 परीक्षा दिवस वीडियो में आपका स्वागत है। नमस्ते, मेरा नाम निशा है, इस वीडियो में आपकी मार्गदर्शक हूँ। मैं आपको यहाँ भारतीय सेना में भर्ती के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा में किस प्रकार शामिल हो उसे समझाने के लिए उपस्थित हूँ। आइए हम अपनी यात्रा प्रारंभ करें। प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड का लाइव लिंक johnindianarmy.nic.in की वेबसाइट पर परीक्षा के दिन से 2 सप्ताह पहले प्रकाशित किया जाएगा। अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी पर ईमेल और टेलीफोन नंबर पर SMS के माध्यम से भी इसकी सूचना दी जाएगी। को ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड और प्रिंट करना है। सर प्रिंटर का उपयोग करके A4 आकार के कागज पर प्रवेश पत्र प्रिंट करें। आपको अपने प्रवेश पत्र के विवरण की जाँच अवश्य करनी चाहिए। परीक्षा केंद्र का नाम, तिथि और पारी का विवरण, परीक्षा केंद्र का पता, दावेज जिन्हें आपको परीक्षा के दिन ले जाने की आवश्यकता है। सभी उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र में दिए गए निर्देशों को विस्तार से अवश्य पढ़ना चाहिए। यात्रा और आवास की व्यवस्था आपको स्वयं करनी होगी। परीक्षा केंद्र में प्रवेश परीक्षा के निर्धारित समय से 1 घंटे 30 मिनट पहले प्रारंभ हो जाएगा और परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले बंद हो जाएगा। के प्रवेश पत्र और फोटो पहचान पत्र की जाँच की जाएगी। आपको अपना व्यक्तिगत सामान जैसे मोबाइल फोन, बैग आदि अपनी जिम्मेदारी पर प्रवेश द्वार पर जमा करना होगा। क्या करें, उम्मीदवार परीक्षा के दिन केवल पारदर्शी पेन, पारदर्शी पानी की बोतल, मूल आईडी कार्ड और प्रवेश पत्र लेकर आएंगे। क्या ना करें, उम्मीदवार को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और ज्वेलरी आइटम्स के साथ अनुमति नहीं है। उम्मीदवारों की तलाशी की प्रक्रिया तलाशी कर्मी द्वारा की जाएगी। तलाशी के बाद आपको बारकोड स्कैनिंग डेस्क पर आपका परीक्षा हॉल आवंटित किया जाएगा। बारकोड स्कैनिंग डेस्क पर आपको अपना प्रवेश पत्र और मूल पहचान पत्र दिखानी होगी। स्कैनिंग मैनेजर आपको परीक्षा हॉल नंबर प्रदान करेगा। आपके परीक्षा हॉल में पहुंचने पर प्रवेश द्वार पर आपके दस्तावेजों अर्थात आपका पहचान पत्र और प्रवेश पत्र की जांच की जाएगी। स्थान पर दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। हॉल में प्रवेश कर दस्तावेज सत्यापन के बाद आप पंजीकरण डेस्क पर जाएंगे। पंजीकरण डेस्क पर आप पंजीकरण प्रबंधक को अपना प्रवेश पत्र और मूल पहचान पत्र दिखाएंगे। पंजीकरण प्रबंधक आपकी फोटो और अंगुली की छाप लेगा। कृपया सुनिश्चित करें कि आपने अपनी उंगलियों को ठीक से साफ किया है और फोटोग्राफ के लिए ठीक से तैयार है, क्योंकि भर्ती के अगले चरण में इसी बायोमेट्रिक का उपयोग किया जाएगा। यहाँ पर अग्निवीर का पेपर देने से पहले हम लोग का एक फोटो खिंचाएगा और हम लोग का अंगूठे का निशान लगेगा, और जब हम लोग अग्निवीर का पेपर देकर बाहर निकलेंगे फिर से हम लोग का फोटो खिंचाएगा और फिर से हम लोग का अंगूठे का निशान लगेगा, जिससे कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं कर पाएगा।
इसके बाद पंजीकरण प्रबंधक आपको सीट नंबर देगा और प्रवेश पत्र पर सीट नंबर नोट कर लेगा। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक पैराग्राफ दिखाया जाएगा, तो इसे अपनी लिखावट में लिखना होगा और प्रवेश पत्र पर आवंटित स्थान पर हस्ताक्षर करना होगा। परीक्षा प्रारंभ होने से पहले निरीक्षक निर्देश पढ़ेंगे। रफ शीट पर आपको अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होगा। उत्तरों को चिन्हित करने के लिए माउस का प्रयोग करें। अन्य उम्मीदवारों को परेशान न करें। निरीक्षक आपको परीक्षण स्क्रीन पर लॉगिन करने के लिए सूचित करेगा। सब कुछ लॉगिन करने के बाद यहाँ से आप लोगों का पेपर चालू हो जाएगा। दाईं ओर एक पैनल आपके प्रयास किए गए प्रश्नों की स्थिति को चार रंगों में प्रदर्शित करेगा, जो निम्नलिखित को दर्शाता है। परीक्षा का समय समाप्त होने के बाद सभी उत्तर ऑटो सबमिट हो जाएंगे। परीक्षा पूरी होने के बाद आपको सत्यापन डेस्क पर निकास सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। आपको एक एक करके सत्यापन डेस्क पर बुलाया जाएगा। जब हम लोग अग्निवीर का पेपर देने जा रहे थे तो यहाँ एक फोटो खिंचाया था और अंगूठा लगा था। अब जब पेपर समाप्त हो गया है तो दोबारा हम लोग का फोटो खिंचाएगा और दोबारा अंगूठा लगेगा, ताकि पता चल सके कि हम ही लोग पेपर दे रहे थे। हाँ, आपका फोटो और अंगूठे का निशान फिर से लिया जाएगा और सत्यापित किया जाएगा। कृपया सत्यापन के बाद अपनी आवंटित सीट पर वापस जाएं। हॉल में सभी उम्मीदवारों के सत्यापन समाप्त हो जाने के बाद यह सुनिश्चित करें कि आपने अपने रफ शीट पर आपका नाम और रोल नंबर लिखा है। इसके बाद आपको व्यवस्थित तरीके से परीक्षा हॉल से बाहर जाने के लिए कहा जाए। जो लोग पूरा वीडियो देखे होंगे उनको पूरा का पूरा बात बिल्कुल आसानी से पता चल गया होगा। देखो, इसको लेकर यूट्यूब पर बहुत सारे लोग वीडियो बनाए होंगे, लेकिन इस तरह से कोई नहीं बताया होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब देखते हैं, अभी तो बोला गया कि 10 फरवरी से 11 मार्च तक अग्निवीर का ऑनलाइन शुरू हो जाएगा, तो 10 फरवरी का वेट करना है। 10 फरवरी ज्यादा दिन नहीं है, ठीक है यार। उम्र को लेकर जितने लोग भी कन्फ्यूजन में पड़े हुए हो ना, तो उम्र को लेकर भी आप लोगों को कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है। अब उम्र 23 से घटाकर 21 साल कर दिया गया है, 17.5 से लेकर 21 साल कर दिया गया है। चाहे इंडियन आर्मी जीडीओ, चाहे इंडियन आर्मी कलर को, चाहे इंडियन आर्मी टेक्निकल हो, ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलो ठीक है, जैसे ही कोई अपडेट आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।